हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इधर, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। स्वेटर नहीं डाली हूँ, अभी डालूंगी। देखिए यहाँ पे रखी हूँ जैकेट, यहाँ पे रखी हूँ शॉल। ये कितना सारा सामान पैक हो गया है, ले जाने के लिए जा रही हूँ पंजाब। देखते हैं फिर कब आते हैं, आऊँगी फिर जल्दी। यहाँ यहाँ पर ये किट्टू बैठा है अपने दादी की गोद में, ये काजल है। किट्टू दादी की गोद में बैठा है, दादी के पास जाता चुप हो जाता है एकदम से। पैसा दे मिल गया ना उसको, इसलिए चुप हो गया है। ये मेरे दादी हैं, क्या बोलो। ये देखिए बाहर बच्चे हैं सब लोग। यहाँ इतना सारा सामान रेडी हो गया ले जाने के लिए, ऑटो का इंतजार कर रही हूँ। ऑटो आ गया है दोस्तों, बच्चे भी आ गए हैं सब लोग। देखिए कितने बच्चे आ गए हैं। किट्टू पहले ही बैठ गया, वेदांश से पहले बैठ गया है। ऑटो वाले भैया आ गए हैं। यहाँ पे मेरी मम्मी जी खड़ी हैं, यहाँ पे मेरी दादी खड़ी हैं, यहाँ पे मेरी दीदी खड़ी हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अपनी दीदी का पैर छू रही हूँ, उनका आशीर्वाद ले रही हूँ। ये मेरा भतीजा है, अब एक वो गाँव का लड़का है, वो आया था देखने। मेरे सासू जी हैं, सासू माँ, उनका पैर छूने जा रही हूँ। यहाँ पे देख कितने घास रखे हैं भैंस के लिए। कह रही थी कि अभी रहने दो, वहीं पे छू लेना। बोली अब क्या वहाँ पे छूँगी, यहीं पे छू लेती हूँ पैर। दादी वहाँ पे बैठी हैं, आपसे कही थी बुलाई हूँ। यहाँ किट्टू ऑटो वाले भैया आ गए हैं, बड़ा लेट कर दिए हैं आने में, बहुत गुस्सा लग रहा था। मुझे डर लगता है मेरी बस ना छूट जाए। अब दादी आ रही हैं, उनका पैर छूँगी मैं, उनका आशीर्वाद ले रही हूँ। आपको पता है जाते वक्त सब लोग रोने लगे हैं, मैं भी रोने लगी हूँ। उसका वीडियो नहीं डाल पाई हूँ क्योंकि मोबाइल वाल बैग में रख रही थी मैं। ये सिलेंडर भी ले जा रही हूँ भरवाने के लिए, गैस ख़त्म हो गया था। वहाँ पे दुकान पे छोड़ देंगे और मेरी सासू मम्मी लेकर आएंगी, तो फिर उधर से इसमें भी बैठेंगी, वो भी साथ में चलेंगी, मेरे साथ ही चलेंगी वो भी। किट्टू कह रहा दादी माई माई चिल्ला रहा था, उनको किसी करेगा, बाय बाय करेगा, बहुत खुश है जाने के लिए अपने पापा के पास। अभी हम लोग निकलने वाले हैं। मेरी दादी बोल रही थी जाओ सबका आशीर्वाद ले लो, जो बैठे थे बाहर लोग, वो गांव के थे। अब मैं उनका आशीर्वाद लेने जाऊंगी अभी। ये मेरी सासू मम्मी स्वेटर डाली नहीं थी, डालकर भी आई हूँ। अब देखिए हम लोग निकलने वाले हैं, अभी जा रही हूँ। गांव के लोग, कुछ लोग आसपास के जो पड़ोसी हैं मेरी, दो मुझे ठानी जी लगती हैं, एक सास लगती, उनका आशीर्वाद लेने जाऊँगी अभी। मेरी सासू मम्मी और दादी मम्मी रो दादी सास रोने लगी थी बच्चों के लिए, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे जाने के लिए। देखिए मैं भी बहुत खुश हूँ, ऑटो वाले भैया बड़े लेट करते हैं आने में। अब जा रहे हैं वहाँ पे, वो भी मेरी जेठानी जी हैं, जेठानी जी लगती हैं, है नहीं सभी जेठानी जी नहीं, उनका भी आशीर्वाद लेने गई हूँ। वेदांश भी गया है पैर छूने, फिर वहाँ से रिटर्न आ जाऊँगी। फिर मेरी दादी सास बोलेंगी जाओ उनका पैर छू लो, मैं बोलती हूँ पता नहीं कहाँ पे हैं, कहाँ जाऊँ उनको ढूंढने। और सूट पहनी थी, सूट पहननी थी मैं, जब मैं घर से जाती हूँ तो सूट पहन कर जाती हूँ, और जब मैं घर पे जाती हूँ तो भी मैं सूट डाल। मेरे वीडियो में जो लोग नए होंगे वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, लाइक कमेंट कर शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं मेरी सास लगती हैं, ये उनका पैर छू रही हूँ, पड़ोसी हैं वो भी जाएंगी पहुँचाने तो छोड़ने। देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ हो गई है, अच्छे लोग। ये मेरी दादी सास हैं, ये बाय कर रही हूँ, यहाँ पे ऑटो में बैठ गई हूँ। यहाँ पे मेरे हम लोग रो रहे थे, सासू मुझे मेरी रो रही थी, अभी भी गांव में ही है। यहाँ देखिए कितने अच्छे अच्छे सरसों का फूल लगा हुआ है, खेती लगा, कितने अच्छे यहाँ पे शॉर्ट वीडियो कितना अच्छा बनता है। अभी ले हम लोग रास्ते में, मौसम बहुत ख़राब था, देखिए मौसम धूप ही नहीं निकल रहा है, इतनी ठंड पड़ रही थी ना क्या बताऊँ। एक कोचरी गांव पड़ता है, वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, अभी भी रास्ते में हैं। उसके बाद हम जाएंगे चौराहे पे, वहाँ मेरी सास रुकेंगी, गैस सिलेंडर देंगी गैस भराने के लिए।
मेरे सास अभी भी रो रहे थे, उनका शॉट उनका वीडियो नहीं ले रही थी मैं, लेकिन रो रही थी, किट्टू से बातें कर रहे थे। क्या करें, अपनों अपने अब तो अपने होते हैं, ये तो सही है। अब पढ़ाई की वजह से मुझे आना पड़ रहा था, तो जाना पड़ रहा था पंजाब। आप लोग को मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा, प्लीज़ थोड़ा सा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो चौराहे पे पहुँच चुकी हूँ मैं, ये है हैसर चौराहा, यहाँ पे हम लोग आते हैं मार्केट मतलब शॉपिंग करने। देखिए सब्जी की कितनी दुकान लगी हुई है, सुबह सुबह ही सब्जियों की दुकान खुल जाती है इधर। यहाँ पे मेरे साथ रुके हैं, देखिए गैस सिलेंडर वहाँ पे रखा हुआ है, ये हम मैं दही लेकर जा रहे थे। अब यहाँ से जाऊँगी मैं अपने मायके, मायके से अपने भाई को रिसीव करूँगी। मैं खाना तक नहीं खाई हूँ, सुबह से खाना नहीं खाया था, सिर्फ चाय के साथ एक रोटी खाया था। मैं कहीं जाती हूँ तो खाना मुझसे नहीं खाया जाता है, चाहे कहीं भी रहूँ, चाहे मायके से ससुराल जाना हो या ससुराल से मायके जाना हो, मुझसे खाना नहीं खाया जाता। मैं पंजाब से घर जा रही थी पर भी मैं खाना नहीं खाई थी। और देखिए मायके से मैं निकल चुकी हूँ खलीलाबाद के लिए, वहाँ पर बस स्टेशन पर जाऊँगी, वहाँ पर बस पकड़ूँगी, तब बस में हम लोग यहाँ पर पापा का इंतज़ार करेंगे, फिर वहाँ पर जाके पापा आएँगे तब बैठूँगी बस में। यहाँ पे खलीलाबाद में समय माता मंदिर है, बहुत बड़ी मंदिर है, सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है समय माता। एक कस्तूरी होटल है, बहुत बड़ा होटल है ये, एक केसर स्वीट्स है, ये देखिए कस्तूरी होटल, वहाँ पे है समय माता मंदिर इसके आगे। अब हम लोग जाएंगे बस स्टेशन पे, वहाँ पे बस पकड़ेंगे, पापा का वेट कर लेंगे। ये वेदांत ऑटो में बैठा है, मायके से रिसीव की हूँ भाई को, भाई भी मेरे साथ चलेगा सामान ढोने के लिए, बच्चे को संभालने के लिए। नहीं नहीं दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पे आ गए हैं बस स्टेशन पे, ब्रिज के पास इसी बस में हम लोग जाएंगे बैठकर। तो आप लोग को वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।